भाई पेटी का ऑपरेशन शुरू हो गया, देखो इन्होंने अब इसका चीरा लगा दिया। ये चीज यहीं मिलेगी और कहीं जगह नहीं भाई मिलेगी। साहब ये भी और जगह खाना है तो फिर नकली मिलेगी। भाई काजू आ गए, किशमिश आ गई, ड्राई फ्रूट वाली आपकी चाट हो गई तैयार। साफ सफाई का ना कायल हो गया, क्वालिटी देखो, अंदर बर्फ वगैरह लगा रखी है सारे कुछ। मैंने ये पहले क्यों नहीं ट्राई किया यार। सर अपना नाम बता दो सर। बिट्टू कुमार सर। बिट्टू भाई ये आप यहाँ पे, हमने सुना यार बड़े ऑपरेशन वाली पैटी भी बनाते हो। जी सर। पैटी का ऑपरेशन करने का आइडिया कहाँ से आ गया आपको एकदम से? होली होली करते करते आ गया। और ये पैटीज बनने जा रहा है? हाँ जी, ये आ गया स्पेशल वाली ऑपरेशन वाली पैटी। भाई जिस जिसने देखी है वो भी कमेंट करके बताओ, जिसने नहीं देखा बताओ यार। ऑपरेशन वाली पैटी यहाँ पे मिलती है यार। क्या क्या डाला जी आपने ऑपरेशन से पहले? टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च, प्याज और भाई धनिया वनिया डाल के, और इसके ऊपर कोई स्पेशल मसाले भी रहते हैं आपके? भाई बहुत कुछ लगेगा सर। ओ भाई साहब ये पूरा डॉक्टरी कर रखी है। और यहाँ पे होएगा भी ऑपरेशन है जी? पनीर, पनीर भी आ गया भाई। पैटी के अंदर क्या क्या जाने वाला है? ये सर छोले आ गया थोड़ा स्वाद अनुसार। ओए होए होए, क्या शानदार वाले छोले हैं। और ये चटपटे मसाले वाले नींबू वींबू मार के पहले रखे हुए हैं ना, शानदार छोले भाई। साथ के साथ बिट्टू भाई बनाते रहते हैं। वो सामने इनकी बड़ी सी देखती है, उसमें इनका खजाना पड़ा है छोलों का। और ये आ गया भाई इसके ऊपर नींबू। ये आ गया सर कसूरी, ये आ गया भाई कसूरी मेथी। और आपको फिर से दिखा, ये आई सॉस। और ये नीचे ना आप देखोगे अगर, तो पैटी साथ के साथ गर्म हो रही है भाई। छोटा सा जुगाड़ नीचे भी बना रखा है, डबल डेकर वाला काम है। ऊपर चल रहा है तवा और नीचे चल रहा है ओवन। भाई देखो क्या शानदार। अभी आ गई पेटी, भाई पेटी का ऑपरेशन शुरू हो गया, देखो इन्होंने अब इसका चीरा लगा दिया। भाई आपने आलू तो निकाल दिए इसके? जी सर। और स्वाद वाली चीज है भाई, भाई ऑपरेशन वाली जो आ गया सर। असली ऑपरेशन अब शुरू हुआ है, जो असली मसाला इन्होंने डाला था ना नॉर्मल पैटी। तो यार ओए होए होए, क्या लुक देखो यार, क्या शानदार वाली आई है। नॉर्मल पैटी आपने बहुत खाई होगी भाई। वो देखो ऑपरेशन दोबारा होने वाला है, एक बार देखो ये चीरा लगा के ये आलू निकाल देते हैं। आलू पैटी आपको कहीं भी मिल जाएगी, आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये वाली ऑपरेशन वाली पैटी ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। शानदार देखो पैटी के अंदर मसाला लगा दिया, और उसके बाद उसको गर्म करके काट के आपको देते हैं चार पीस करके। चार। और ये पैटी का क्या रेट रहता है सर? ये सिर्फ 70 रुपये सर। 70 रुपये में पैटी भाई, आपको लगेगा कि ये 70 रुपये 20 रुपये वाली पैटी का, लेकिन इसके अंदर मेहनत और स्वाद इतना ज़बरदस्त है ना भाई, आप खाओगे तो आपको लगेगा भाई मजा आ गया भाई खा के। नज़ारेदार वाली पैटी बनती है। और ये आया भाई चाट मसाला, चाट वाला। ओए होए होए, क्या भाई देख के पता लग रहा है। लो सर भुजिया आ गया इंदौर का, भुजिया भुजिया डाल के, और शानदार पैटी आपकी तैयार हो गई है। ये चीज यहीं मिलेगी और कहीं जगह नहीं भाई मिलेगी। साहब ये भी और जगह खाना है तो फिर नकली मिलेगी, नकली माल। असली माल खाना है तो बिट्टू भाव के पास आना है। और यहाँ पे इनका देख लो, पहचान लो अड्डा कितना हमारा, पिंटू कुमार वैष्णो वेज। जबरदस्त भेलपुरी पैटीज, पनीर कुलचा सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मजा आ जाएगा एक बार। और अभी आप क्या लगा रहे हो सर? अभी सैंडविच लगा रहे हैं। सैंडविच लगा रहे हो भाई, ब्राउन ब्रेड में शानदार सैंडविच बिट्टू भाई लगाते हैं, बहुत ही फेमस है। और इसमें क्या क्या आ जाता है सर? इसमें 7-8 चीज आ जाता है सर, बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, सब्जियाँ देख लो यार, कैप्सिकम, अनियन, टमाटर, धनिया और छोले मिला के, क्या शानदार। और ओहो भाई नींबू जोड़ दिया, मजा ही आ गया भाई। बिट्टू भाई आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे लगाते हुए? हो गया सर 18-19 साल। 18-19 साल से आप ये साइकिल के ऊपर से अपना पूरा घर का कारोबार चला रहे हो है ना जी? जी सर। और थोड़ी लोकेशन बता देना यार बिट्टू भाई, आपकी लोकेशन क्या पड़ती है यार? लोकेशन सर लुधियाना फिरोज गांधी मार्केट। लुधियाना में भाई फिरोज गांधी मार्केट में अगर आप आ जाओगे तो यार ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे बिट्टू भाई ये साइकिल आपको दिख जाएगी यार। इसी के ऊपर इन्होंने अपना सारा जुगाड़ बना रखा है। जी सर। इनके पास सैंडविच है, कुलचा भी मिलेगा, भरवा कुलचा मिलेगा, और पैटी का जो ऑपरेशन करते है ना, क्या जबरदस्त वाला ये तो बन रहा है। कुलचा कुलचा मैंने तो ट्राई किया नहीं बिट्टू भाई का, आज पहली बार ये सैंडविच पहली बारी में ट्राई करने लगा, मजा ही आ जाना भाई। ओहो भाई साहब क्या बात है। पहले आपने ब्रेड को सेका हुआ है ना? और आप सारे काम हो रहा है, सारा काम साथ के साथ हो रहा है भाई। इधर देखो जुगाड़, इधर इनके भट्टी के नीचे ही, नतवे के नीचे ही, यहाँ पे देखो पैटी गर्म हो रही है, सारा कुछ साथ में पैटी वैटी गर्म हो रही है, और साथ में ऊपर के ऊपर चल रहा है भाई साहब। मल्टी टास्किंग काम करते हैं बिट्टू भाई, क्या शानदार वाला। इधर कलर आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। सैंडविच देखो यार, क्या कुरकुरा कर दिया। ओहो अब इसकी हो जाएगी कटिंग, और शानदार वाला सैंडविच हो गया। दो पीस, चार भी हो जाए, दो कर लो चार कर लो। और टाइम लगा भाई मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में भाई तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये रश आवर्स होते हैं यहाँ पे, जबरदस्त रश पड़ता है। और क्या शानदार, ऊपर मेयो आ गई है, और साथ में आ गई है टमाटो सॉस, और डाल दिया भाई इन्होंने बॉम्बे भुजिया। ये आ गया भाई 0 नंबर, और शानदार ऊपर लगा रहे हैं। और क्या लगेगा? नींबू, आहा नींबू लगा के चटपटा बना दिया, बहुत ही शानदार।
भाई साहब ये हो गया सैंडविच तैयार। सर 50 रुपए के है सर सैंडविच, सिर्फ 50 रुपए का। 50 रुपए भाई, ये आ गई हमारी ऑपरेशन वाली पैटी। भाई इसका पूरा ऑपरेशन आपने देखा अभी आपके सामने हुआ था, आलू निकाल दिया और नज़ारे डाल दिया भाई, इसमें स्वाद डाल दिया भाई, अत कराती गिर गए बस कराती, मज़ा आ गया। टेस्ट ले अब भाई, पैटी की क्रिसमस, ऊपर से पिज़्ज़ा वाला ये सारा सिस्टम जो बनाते हैं ना, नज़ारा आ जाता खा के भाई। ट्राई ज़रूर करना, सैंडविच आ गया शानदार। ओए होए देखो रे यार, क्या अंदर सब्जियां भरी हुई हैं और ऊपर क्रिस्पी वाली भेल डाली हुई है। ओए होए ओ हो, मैंने ये पहले क्यों नहीं ट्राई किया यार, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा सैंडविच है, मज़ा आ जाता खा के। सिर्फ 50 रुपये में दिन बन जाएगा आपका, नज़ारे आ जाएंगे। रोज गांधी मार्केट पे आ जाना, अड्डा पहचान लो, ये ऐसा सामान है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलते हैं अगली लोकेशन पे। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है सर? नमस्कार जी। सर ये क्या नया जुगाड़ आपने लगा दिया रणधीर सिंह नगर में? हाँ जी, दही भल्ला चाट पापड़ी है सर। और भाई साहब, सर आप पहले अपना नाम बताओ जी। अनिल कुमार नाम मेरा। अनिल भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया। पर होता क्या क्या है अपने पास दिखाना सर? सोठ वाली चटनी है। ओए होए होए, क्या शानदार चटनी है। ये आपके खजूर के वगैरह की बनाते हैं, गुड़ की है ये? इमली की और गुड़ चीनी की सर। गुड़ चीनी इमली की और ये साथ में भाई ये दही है कि क्रीम है? ये क्रीम वाली दही है सर। बहुत ही बढ़िया दही नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है? सारा कुछ फ्रेश ही होता है सर। हाँ मैं यही कहने लगा था कि सबसे बड़ी चीज है कि साफ सफाई देखो भाई जी, क्या शानदार सफाई। और ये देखो क्रिस्पी वाली मठियां रखी है, बहुत ही शानदार। और इससे आप बना क्या कह रहे हैं? आइट में आपकी सामने लगी हुई है भाई, पापड़ी चाट, दही भल्ला, दही बड़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिक्स चाट, पूरा चाट वाला पूरा सामान है ना यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा ये मार्केट तो है यार दिन में लंच के लिए, बीच में दिन में चाट का कैसे आइडिया आ गया आपको? बस अब यहाँ कढ़ी चावल वाले थे, मैं सोचा दही भल्ला लगा। अरे वाह, बीच में थोड़ा स्वाद का तड़का भी लगा दिया जाए, है ना। कढ़ी चावल खा खा के अगर कोई बोर हो गया तो भाई के पास आ जाओ। ये सामने एक फेमस चाट भंडार भाई, भल्ले चेक करो यार, कितने ही फ्रेश भल्ले हैं भाई, देख के पता लग रहा है। क्वालिटी देखो, अंदर बर्फ वगैरह लगा रखी है, सारे कुछ साफ सफाई का ना कायल हो गए हूँ। आप देखो ना कार्ट के ऊपर कितनी सुंदर सी कार्ट इन्होंने मोटरसाइकिल पे अपनी लगाई है, और बहुत ही साफ सफाई से ये देखो आलू आ गए, मसाले वाले आलू, मसाले वाले आलू। सर अब रहा नहीं जाता, बस लगा दीजिए कुछ बढ़िया बढ़िया सा चटनी। देखो पुदीने वाली, धनिया वाली, साथ में मिर्ची का तड़का इसमें, क्योंकि मिर्च की खुशबू आ रही है दूर से ही। अब मैं लगाने जा रहा हूँ ड्राई फ्रूट वाला चाट आपका। भाई साहब ड्राई फ्रूट वाली चाट पहले हमारी लगवा रहे हम लोग। ये आगे भल्ले, ये आगे भाई भल्ले, दही में डिप होगा, दही में डिप हो गया भल्ला। ओए होए यार दही की क्वालिटी देखो भाई, क्या शानदार दही है भाई, क्रीम मिक्स किया है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ आ गया भल्ला, और इसमें आ गए मसाले वाले आलू भाई, और ये आई है कुरकुर करती हुई पापड़ी डाल दिए बीच में। यार भल्ले में आ गया दही, और भाई ये मलाई है कि दही है ये तो आप ही, आप यहाँ पे आओ खाओ। अब भाई साहब यहाँ पे आना आपका जरूर बनता है भाई। सोंठ वाली चटनी, सोंठ वाली चटनी जिसके अंदर गुड़, चीनी, इमली डाल के इन्होंने मसालेदार बनाई है सोंठ। और ये आ गई भाई तड़कती भड़कती हरी चटनी, ये थोड़ा स्पाइसी होती होगी, हाँ है ना? ज्यादा ही होता थोड़ा। भाई साहब ज्यादा स्पाइसी है तो देख लेना, अपने हिसाब से डलवा लेना। अब आ गई भाई ये बॉम्बे वाली 0 नंबर सेव, और इसके बाद आना है यार इसके ऊपर। ओए होए होए क्या जबरदस्त मसाले रखा हुआ है, और चुकंदर देखो भाई कितना फ्रेश है, बिल्कुल सूखा सूखा नहीं लग रहा भाई। काजू आ गए, किशमिश आ गई, और ड्राई फ्रूट वाली आपकी चाट हो गई तैयार, शानदार वाली। भाई साहब आ गई हमारी स्पेशल ड्राई फ्रूट वाले भल्ला चाट पे, मजा आने वाला भाई। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये लोकेशन एक बार लोकेशन बता दो सर। लोधी क्लब रोड भाई, लोधी क्लब रोड के ऊपर जब आप आओगे यार, ये तो पूरा आगे से पीछे तक रश पड़ा है यहाँ पे कढ़ी चावल वालों को, और बीच में एक हीरा चमक रहा है दही भल्ला चाट, चटपटा सामान लेके आ जाओ मजे लेने के लिए भाई। ये भल्ले है भाई, आधा किलो भल्ले ये लग रहे हैं भाई, बड़े शानदार देखने में। देखो ना दही क्रीम वाला, हरी मिर्ची स्पाइसी वाली बताई भाई ने, क्रिस्पी पापड़ियाँ डाली हैं, काजू है, किशमिश है, चुकंदर है, और भल्ला बड़ा ही फ्रेश था भाई। और इसका स्वाद लेते हैं, भले भले करा दी भाई ने, ये खाना मस्त है। जरूर आओ भाई को सपोर्ट करो और एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, चाओ।